Happy birthday, Chiyan Vikram. जी हाँ गाइज, इट इज फाइनली दी बर्थडे फॉर चियान विक्रम सर. क्या व्हाट अ वर्सटाइल एक्टर. यस, कितनी बड़ी बड़ी फिल्में उन्होंने दी हैं. यू नो, ऐसा कभी कभी लगता है कि अचानक से कुछ कुछ फिल्में ऐसे आती हैं जो हिंदी और दूसरे लैंग्वेजेस के फिल्मों को जोड़ देती है. यस, यू नो देयर वाज अ टाइम व्हेन अपरिचित केम एंड देन ऑल ऑफ अ सडन वी गॉट टू नो अबाउट चियान विक्रम सर. उससे पहले नॉर्थ इंडिया के या फिर दूसरे जो स्टेट्स होते जो साउथ से थोड़े से ऊपर है, उनको चियान विक्रम के बारे में कुछ भी नहीं पता था. यस, ये मैं डेफिनेटली ये बात मैं मानता हूँ गाइस, क्योंकि हम सबको ये एडमिट करना होगा कि अपरिचित से पहले हमने कभी चियान विक्रम के बारे में सुना भी नहीं था. क्योंकि ये कोई मतलब ऐसा नहीं कहूंगा कि ये हमारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि साउथ का इन्फ्लुएंस उस वक्त बहुत ही कम था. और मैं कह सकता हूँ कि ये जो डब जो मूवी को डब करना था वहां पे उस वक्त उतना लार्जली वो उतना कंसीड नहीं किया जा रहा था. देखिए ये बात ये है कि टू बी वेरी क्लियरली अगर इस चीज को बताएं कि पैन इंडिया फिल्में तब भी बनती थी लेकिन उसका जो एक्सपोजर था वो ज्यादा नहीं, उसका प्रमोशन था वो वैसा था ही नहीं. हाँ, लेकिन शंकर सर ने हमेशा इस चीज की कोशिश की है कि वो जो भी फिल्म वो अपने फर्स्ट लैंग्वेज में बनाते हैं दैट इज तमिल, उन्होंने हमेशा कोशिश की है कि उस फिल्म को वो हिंदी में रिलीज करें और डिफरेंट लैंग्वेजेस में रिलीज करें. ही हैज बीन टू सम एक्सटेंट सक्सेसफुल, क्योंकि उन्हीं के काम के द्वारा, मैं सिर्फ उन्हीं के बारे में नहीं कहता हूँ, और बहुत डायरेक्टर्स हैं उनसे पहले भी आए हैं, लेकिन उन्होंने जो एक्सपोजर क्रिएट किया था उसी की वजह से दूसरे डायरेक्टर को भी ये हौसला मिला कि हम भी ऐसा कर सकते हैं. एंड थैंक्स टू शंकर सर कि हमें चियान विक्रम के बारे में पता चला, एक ब्रिलियंट एक्टर के बारे में हम सबको पता चला. राइट, सो आज बेसिकली वी आर गोइंग टू रिएक्ट ऑन द बर्थडे ट्रिब्यूट वीडियो फ्रॉम थंगलान. जी हाँ, इस फिल्म ने इतना ज्यादा एंटिसिपेशन क्रिएट करके रखा है. हम लोगों ने पिछले जिस कॉन्टेंट के ऊपर रिएक्शन किया था वहां पे चियान सर का कोई भी डायलॉग नहीं था. यस, और दोनों ही वीडियो में मुझे लगता है कि अनाउंसमेंट वीडियो में भी हमने उनका कोई डायलॉग नहीं सुना और टीजर में भी नहीं सुना. अब हम वेट करें कि ट्रेलर में हमें क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि ये फिल्म मुझे लगा कि फिल्म कुछ एक दो महीने के लिए पोस्टपोन की गई है. इसका रिलीज डेट थोड़ा सा यहाँ पे डिले किया गया है एंड मुझे नहीं लगता उसका रीजन कुछ होगा यहाँ पे, पर उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे. पर अभी जाके गाइस हम इस अनाउंसमेंट वीडियो या फिर बर्थडे ट्रिब्यूट वीडियो के ऊपर हम रिएक्शन देते हैं. और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं गाइस, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर दीजिए ताकि जितने भी कॉन्टेंट हमसे अपलोड हो वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे. बिल्कुल, और अगर ऑलरेडी आप सब्सक्राइबर है तो रिएक्शन का मजा लीजिए. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट लेट्स रिएक्ट टू ट्रेलर. Oh my god! My god, this look, man. Oh, just look at the visuals and the cinematography. Oh, what a shot. What a shot. जितना हम देखते हैं, यू नो, इस कॉन्टेंट के बारे में, अगर थंगलान के बारे में जितना हम देखने की कोशिश करते हैं, जितना हमें दिखाया जाता है, एंटिसिपेशन उतना ही बढ़ता जाता है. Yes. और आई एम श्योर कि अपार्ट फ्रॉम यू नो विशिंग अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू चियान विक्रम सर, ये प्रोडक्शन हाउस का एक अच्छा स्ट्रेटजी था कि रेलेवेंट रहे और बज में रहे. यस, और क्योंकि इसकी एंगेज रहे क्योंकि इनका जो प्रीवियस रिलीज डेट था, दो रिलीज डेट बाय द वे जो पोस्टपोन हो चुकी है ऑलरेडी थंगलान की, दैट इज पहला वाला था 26th of January 2024 और रिसेंट ही एक रिलीज डेट आया था 12 April 2024. तो ये दोनों ही डेट प्रोड्यूसर्स ये मेकर्स मिस कर चुके हैं. Yes. और बहुत ही जल्दी इस फिल्म को रिलीज किया जा रहा है, जैसे ही आपने इस रिएक्शन पे इस वीडियो पे देखा रिलीजिंग सून लिखा हुआ है, सिनेमा सून सून, क्योंकि तो, यहाँ पे कोई स्पेसिफिकली कोई डेट यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है. राइट, सो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि जल्द ही हमें पता चल जाएगा कि ये फिल्म कब रिलीज होने वाली है. मुझे लगता है कि गाइस जून जुलाई तक ये हो सकता है ये फिल्म रिलीज. वी आर हैविंग हाई होप्स अगर जून जुलाई से पहले भी आ जाए, वरना जून जुलाई का जो डेट है वो बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो चुका है. क्योंकि उसके बाद ट्रेलर की बारी है. Yes, उसके बाद और ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहिए. जब ट्रेलर लॉन्च हो जाता हो
उसी के 10-15 दिन बाद ही आई गेस इस फिल्म को रिलीज कर देना। और मुझे लगता है कि अगस्त के आसपास या फिर सितंबर के आसपास बहुत सारी बड़ी बड़ी तमिल और तेलुगु फिल्में रिलीज होने वाली है। और सिर्फ यही नहीं, चियान विक्रम सर की एक और अपडेट आने वाली है। हम लोगों ने कल ही कोई इमेजेस वगैरह देखी है। यस, उनकी और एक फिल्म के बारे में एक अपडेट आने वाली है, वो आज ही अपडेट आने वाली है। तो डेफिनेटली वी विल डेफिनेटली रिएक्ट ऑन द वीडियो और अनाउंसमेंट एनीथिंग विच विल कम। अल्टीमेटली अगर चियान विक्रम सर के बारे में बात करें तो बड़ा ही नाइंसाफी उनके साथ हुआ है, क्योंकि उनकी जो रिसेंटली जो कमल हासन सर की जो प्रोडक्शन हाउस है राजकमल, ध्रुव नटचत्रम जो फिल्म था, जो विच वॉज इन पाइपलाइन फॉर लेट्स से 10-12 इयर्स, ऐसा ही कुछ था, करीबन 10-12 साल से उसके टीजर के ऊपर भी हमने रिएक्शन दिया था। हम लोगों ने रिएक्शन दिया, काफी सालों बाद वो फिल्म की रिलीज होने वाली है। एंड मुझे अभी भी याद है कि वो फिल्म कुछ 2017 को रिलीज होने वाली थी, और उस वक्त भी 2017 को भी एक टीजर वहां पे लॉन्च किया गया था, पर उसके बाद कुछ वहां पे हुआ ऐसा कि ओवरऑल इस प्रोजेक्ट के ऊपर कुछ 8-10 साल के करीब काम चल रहा है, काम चल रहा, फाइनली उसका भी अपडेट दिखा। लेकिन इस दौरान ऐसा कोई बड़ा हिट नहीं आया चियान विक्रम सर के तरफ से कि यू नो इट क्रिएट्स रिपल्स, जैसे बहुत बड़े और स्टार हिट हुए हैं बीच में। अगर उनके कॉन्टेम्पररी के बारे में बात करें, सूर्या सर भी अपने करियर में बहुत कुछ बहुत ज्यादा हिट दे चुके हैं। यस, द फेमस कैरेक्टर व्हिच ही हैज रिसेंटली डन व्हिच इज रोलेक्स, रोलेक्स। पर यहाँ पे रिदान की एक बात से मैं यहाँ पे डिफर करता हूँ गाइस, क्योंकि हम सबको पता है कि उनकी एक कमर्शियल फिल्म रिलीज हुई थी 2021 या 20 को, कोबरा, उसके बाद महान, उसके बाद फिर उनके बेटे के साथ एक फिल्म निकली महान, फिर रिसेंटली पोनियन सेल्वन 1 और 2। वैसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ऑब्वियसली ये बहुत बड़ी फिल्म है, लेकिन बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के हिसाब से अगर जाए तो पोनियन सेल्वन भी ऑब्वियसली बहुत ज्यादा उसने बिजनेस किया, पर लेकिन वो अकेले की नहीं, स्टैंड अलोन फिल्म चाहिए इम्पैक्ट। वो चियान विक्रम सर का जो कैलिबर है वो खुद पुल ऑफ कर सकते हैं। यस, एज ऑफ नाउ इट इज येट टू हैपन, तो मैं वो इम्पैक्ट के लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ, और आई एम श्योर थंगलान इज द फिल्म विच विल एक्चुअली क्रिएट द इम्पैक्ट वी हैड बीन वेटिंग टू वॉच। और आप देख सकते हो गाइस के कितने बढ़िया, कितने डेडिकेटेड एक्टर है वो। इस ट्रिब्यूट वीडियो में भी हम देख सकते हैं कि कितना कुछ झेला है, कितने रॉ एक्शन सीक्वेंसेस हुए हैं, कितनी बार उन्हें इंजरी हुई है। हमें पता भी है कि उनको एक बहुत बड़ा इंजरी हो गया था इस फिल्म में, एक एक्शन सीक्वेंस है टू स्टॉप शूटिंग फॉर अ कपल ऑफ डेज। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एफर्ट बहुत ज्यादा, डेडिकेशन लेवल बहुत ही ज्यादा है, एंड ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब भी हम चियान विक्रम सर के किसी भी फिल्म के बारे में बात सुनते हैं तो उन्होंने कुछ ना कुछ वो अलग वो करते हैं उस फिल्म में। एंड ही एक्चुअली एंड्स अप, ही ऑलवेज गिव्स हिज बेस्ट, यस गाइस, जो भी कंटेंट हो, यस गाइस। लेकिन ओवरऑल हमें इस फिल्म का इंतजार रहेगा, हम चियान विक्रम सर को फिर से उनकी जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। हम चाहते हैं कि उनकी सेहत एकदम अच्छी रहे, बढ़िया रहे, और हमें इसी तरह से वो एंटरटेन करते रहे, और हम भी ये चाहते हैं कि हम आपको ऐसे ही एंटरटेन करते रहे हमारे ऑनेस्ट रिएक्शन से, हमारे ऑनेस्ट रिव्यूज से। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किसके फॉलोअर्स हैं, किसके फैन हैं, किसके फैन नहीं है। अगर उस एक्टर्स का, जिस एक्टर के, जिस कंटेंट के ऊपर हम लोग रिएक्शन दे रहे हैं, अगर वो हमें पसंद आया, एज अ व्यू ऑफ एन ऑडियंस, हम रिएक्शनिस्ट के हिसाब से रिएक्शन नहीं देते हैं, एज ऑडियंस हम लोग रिएक्शन देते हैं। और मुझे लगता है कि एज अ ऑडियंस, एज अ व्यूअर, आप भी हमसे यही अपेक्षा रखते होंगे कि ऑनेस्ट रिएक्शंस और ऑनेस्ट रिव्यू आपको सुनने को मिले। राइट, सो यही था हमारा रिएक्शन ऑन द ऑफिशियल ट्रिब्यूट वीडियो, बर्थडे ट्रिब्यूट वीडियो फॉर चियान विक्रम सर फ्रॉम थंगलान। और आप बताइए आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा। यू कैन कम डाउन टू आवर सोशल मीडिया अकाउंट्स, हमें कमेंट कर सकते हैं, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हर यूट्यूबर जैसे कहता है, वी आर गोइंग टू से द सेम, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन आइकन और नोटिफिकेशन बेल में जाके ऑलवेज सेलेक्ट कीजिए, ताकि आपको सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहे। हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क्स पे आप जरूर आ सकते हैं, हमारे साथ रूबरू हो सकते हैं, हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमसे बातें कर सकते हैं, नए कॉन्टेंट के बारे में आप हमें अपडेट दे सकते हैं, हमसे अपडेट ले सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, and till then the reactionist says Jai Hind.